माननीय मंत्री जी, कौन सा मंत्री है? सूचना प्रौद्योगिकी। अरे हो रहा, मुझे मेरे पास जवाब आ गया। मैं आई विल नेम यू। जवाब मेरे पास आ गया। मेरा काम आप नहीं करेंगे, मेरा काम मैं करूंगा। मेरा काम मुझे आता है, मैं करूंगा। आप बैठिए। अध्यक्ष मोदी, जवाब आ गया। मैं रिप्लाई क्वेश्चन पूछ सकती हूं? उत्तर आने दे। आप सोचते हैं मैं? डॉक्टर सर जी, आप माननीय सदस्य हैं, आप हमारे सम्माननीय हैं। आप राजे। अब उनको कहे माननीय मंत्री जी, सदन का मजाक बना रहे। आप बैठिए। अरे उत्तर आने दीजिए। आप बैठिए। उत्तर, अरे उत्तर दे, उत्तर दे रहे। मेरा काम है, मेरा काम आप नहीं करेंगे। अरे मेरा काम मैं करूंगा उनको। आप बैठे, मैं कह रहा हूँ कि आप बैठे। आई विल नेम यू। मैं आपका नेम लूंगा। आई विल नेम यू। क्या मुझे मजबूर है तो मुझे बाहर नहीं भेजना पड़े? जवाब मेरे पास आ गया है। अरे ये मेरा काम है। जवाब मेरे पास आ गया है। उत्तर आने दे, पहले उत्तर आने दे। इसी बात पे मैं सुनूंगा। मैं एक व्यवस्था का समस्या बना रहा। तीन चार लोगों ने आज जिस प्रकार से सदन में मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मंत्रियों को तैयारी नहीं है, मंत्रियों को ये नहीं पता कि मेरा क्वेश्चन भूल गया है, ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसका जवाब क्यों तैयारी करके है? बैठिए बैठिए। अरे उत्तर आ रहा है, बैठिए। उत्तर आ रहा है। अरे उत्तर आ रहा है। उत्तर माननीय स्पीकर महोदय, बिंदु संख्या एक पे उसका जवाब है। जी हाँ, ये सही है। अध्यक्ष मोदी, मेरे पास जवाब आ गया है और मैं सीधा, क्योंकि समय नहीं है इस वजह से मैं रिप्लाई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इनके पूरक प्रश्न पूछेंगे। नहीं, इन्होंने कहा उत्तर आ गया, मान लिया। आप पूरक प्रश्न पूछें। जो मैंने पूछा उसका जवाब आ गया है। 24,56,000 महिलाओं को फोन वितरण कर चुके हैं। 1 करोड़ का लक्ष्य था और दोबारा से इसमें संशोधन करके 40,00,000 महिलाओं को देने का लक्ष्य रखा गया था। उसमें से 24,56,000 को मिल चुका है। मैं ये पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मंत्री महोदय से, कि जिस तरीके से जवाब दिया गया है कि इस योजना में महिलाओं को हुए लाभ और जनहित का परीक्षण करके स्मार्ट फोर योजना के आगामी निर्णय लिया जाएगा कि इसमें हुए लाभ, तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कोरोना आया, कोरोना के बाद में सभी बालक और बालिकाएं ऑनलाइन पढ़ाई करने का एक ट्रेंड बन गया है। सारे बालक और बालिकाएं ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सदन के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे पक्ष के विपक्ष हो, सबके बालक ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, क्या गरीब लोगों की बालिकाएं ऑनलाइन पढ़ाई करने की हकदार नहीं है? क्या परीक्षण करेंगे? क्या ऑनलाइन पढ़ाई करने के हकदार नहीं है? तो क्यों जनहित का क्या परीक्षण करेंगे? आप सीधा जवाब दीजिए कि बची हुई बालिकाओं को मोबाइल फोन देंगे, जवाब सुनिए, करेंगे या नहीं करेंगे? जवाब तो सुनिए। आप अंतिम बता दीजिए। जो माननीय स्पीकर महोदय, इनका जो प्रश्न था वो शेष महिलाओं को क्या दिया जाएगा, उसके लिए ये उत्तर दिया था। हमारी सरकार की और केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी अनेकों योजनाएं हैं जिसमें डिजिटल, हमने पूरा भारत डिजिटाइज करा है, घर घर तक, गांव गांव तक फाइबर ऑप्टिक गया है। तो ये जो प्रश्न जो पूछा है कि क्या हम ये स्वीकार करते हैं? बिल्कुल, हम हर तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा पहुंचाने की हर प्रश्न का समाप्त हो गया। प्रश्न का समाप्त,